So, hello guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैम्पी के बारे में। आज के इस वीडियो में सारा कुछ आपके मन में डाउट साउट सब कुछ है सारा क्लियर कर दूंगा। फाइनली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पैसा जो है उनका होल्ड हो जा रहा है एंड वहाँ पे पैसा सेंड नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई मेरा जो कार्ड है बंद हो चुका है, मेरा नया कार्ड कब आएगा एंड ये ऑर्डर कब तक मतलब हो पाएगा, ऑर्डर कब से स्टार्ट होगा। सारा कुछ आज के माइंड में आपके जो भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन दूंगा आज के इस वीडियो में। रेंडमली मैं सबका क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ से और सबके सोल्यूशन भी दूंगा। फाइनली मैं इंस्टाग्राम पे हूँ अभी और मैं साइड स्क्रीन में नहीं दिखाऊंगा बट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, भाई लोग को जो प्रॉब्लम आया वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक भाई का क्वेश्चन है जो बहुत दिन से परेशान कर रहा है। इन भाई का ये कहना है कि इनका जो केवाईसी का जो बारे में है, जो लोगों का केवाईसी का रिलेटेड है, तो ये वीडियो पूरा सही से देखो क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इन भाई का तो देखो, इन भाई का एक रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। सबसे पहले इन भाई ने क्या किया कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, तो इनका एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं। इन्होंने लिखा योर पेमेंट विल बी गेट्स ब्लॉक सोन, मतलब कि आप जो भी पेमेंट्स करने वाले हो सब कुछ ब्लॉक होने वाला है जल्दी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इन्होंने देखिए इमरजेंसी में लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लाख से ऊपर लोगों ने इसके केवाईसी कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। सो अभी तक आपने नहीं किया तो कर लो क्योंकि ये लास्ट डेट हो जाने वाला है, क्योंकि ये फाइनली पहले बीच में बंद भी हो चुका था। बहुत सारे लोगों का जो बीच में पैसा था और यहाँ से सेंड नहीं हो रहा था, ना रिसीव हो रहा था। अब इसका सोल्यूशन भाई ने पूछा है, नीचे की तरफ इनका सब कुछ कर लिया था। इन्होंने नीचे देखो क्या लिखा, सबसे पहले इनका वीडियो भेजा था मेरे को, आपको साइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, सो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन हो चुका, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। स्कैन आधार जब लिखेगा ना, जो लोगों का जिन लोगों का आधार या स्कैन लिखेगा तो आपको वहां पे नीचे देखना है, पेरेंट्स का मांगेगा तो उसका नाम भी लिखेगा जिनका आपने आधार कार्ड डाला हुआ। तो यहाँ पे उनका नाम लिखा था, खुशबू नाम लिखा था, ठीक है, तो उनका भाई का नाम था ऐसा बोल रहे हैं मुझे। सो इनका यहाँ पे इन्होंने आधार स्कैन किया, उसके बाद इन्होंने स्कैन करने के बाद इन्होंने सबमिट कर दिया। सो इनका ये प्रॉब्लम मैंने सोल्यूशन दे दिया कि ये आप किसका डाल सकते हो, ये अपना डाल रहे थे इसलिए इनका नहीं हो रहा था। उन्होंने नीचे पेरेंट्स लिखा हो तो इनका फाइनली कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट में से पूछा भाई इसके आगे क्या करो, सो फाइनली इन्होंने कंप्लीट कर लिया आधार वेरिफिकेशन। फिर नीचे आया उन्होंने री वेरीफाइड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ। सो इनका सोल्यूशन मैंने फिर से बताया कि भाई ये क्यों आ रहा है। सो इनको मैंने बोला कि भाई आपने जो भाई का है आधार कार्ड पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड दोनों सेम डाला है तो हो जाएगा। तो उनका भाई का उन्होंने अपना पैन कार्ड डाला तो इनका सोल्यूशन फाइनली हो चुका है। अब बात ये है कि जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस और है माइंड में कि भाई मेरे जो पैसे है ना वो मतलब कि सेंड नहीं हो रहा है। आईफोन वालों को मैं बात करता हूँ। सो साइड पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने आईफोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा मेरे पास और यहाँ पे जैसे ही पैसा भाई ऐड कर रहे हैं ना तो देखो कैसे ऑप्शन आ रहा है। जैसे इन्होंने ऐड किया और यहाँ सीसीवी अपना जो भी कोड डालते हैं, जो डालने के बाद इन्होंने ऐड मनी पे क्लिक किया, फिर फेस वेरिफिकेशन किया। सो ये ऑप्शन आ रहा है, बार बार यही ऑप्शन आ रहा है। सो गाइस अभी ये है ना कि दिक्कत है आईफोन वालों में तो बहुत, देखो सबसे पहले एंड्रॉयड में सबसे पहले ये सोल्यूशन आता है, उसके बाद एप्पल में आता है, क्योंकि मैंने देखा था जो हम वेरिफिकेशन कर रहे थे ये एप्पल वालों को बहुत लेट मिला था। सो फाइनली उनका भी हो गया था। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो एप्पल वालों का ये है ना कि वहां पे जो अभी सर्विस डाउन है, क्योंकि अभी फैमपे का जो है कार्ड नहीं है ना, उसका यूपीआई सही से काम कर रहा है ना, उसका कोई मतलब कि कोई भी चीज वर्क प्रॉपर सही से कर नहीं रहा है। क्योंकि सब कुछ जो एक बार सोल्यूशन आ जाएगा ना, कार्ड वार्ड सब कुछ आ जाएगा, सो पूरा सर्विस पूरा ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो भाई ने मेरे से पूछा था। बोल रहे थे भाई मेरा यहाँ पे ना जो मैंने पैसा यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट किया था वो मेरा फंस चुका, वो निकल नहीं रहा। सो इसका भी सोल्यूशन में एकदम से आराम है, इन्होंने 100 रुपए विड्रॉल कर रहा तो फेल हो जा रहा बार बार, स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। सो फेल हो जा रहा बार बार, सो अपने डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको भी पैसा पूरा कुछ मिल जाएगा, जिन जिन लोगों का गोल्ड में पैसा फंसा है उनका कहीं नहीं जाने वाला। जैसे ही 5-6 दिन में जैसे पूरा कार्ड, ये जो कार्ड लॉन्च हो जाता है, कार्ड प्रॉपर से वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है तो सारा कुछ पैसा आपका जो आपके अकाउंट में इजिली मिल जाएगा, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, फैम पैसे कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। और बात रही कार्ड की, कार्ड कब तक आएगा गाइस, कार्ड मतलब कि मुझे लगता है ये मार्च अप्रैल में ही लॉन्च करने वाले, मुझे ऐसा लगता है। और एक और बात बता दूं, 50% चांस है कि इसमें आपको उसमें मिलने वाला है मतलब कैश विड्रॉल, मुझे ऐसा लगता है।
आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और आपके क्वेश्चन है माइंड में तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर से मैं एक Q&A करने वाला हूँ। सो आप सबके लिए मैं इंस्टाग्राम पे मेरे देख सकते हो 600 फॉलोअर हो चुके हैं। प्लीज इस मेरा टारगेट है कि 1000 को कंप्लीट करना है। सो फटाफट जाकर फॉलो कर लो एंड वहां पे मेरे को Q&A करने वाला हूँ। सो इस Q&A में आप सबके भी क्वेश्चन होंगे जो यूट्यूब पे डाले जाएंगे। सो आप सब फटाफट आके मिल जाइए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कार्ड कब तक, कार्ड वही मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लेके। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।